मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री 1973 वोटों से हुए पीछे, भाजपाइयों की उड़ी नींद, आया बड़ा उलटफेर। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के 230 विधानसभा सीटों पर लगातार मतगणना जारी है और इस बीच ऐसे रुझान सामने आ रहे हैं जिससे बीजेपी की नींद उड़ी हुई है। दरअसल आपको बता दें रुझान के बारे में, तो इस वक्त बीजेपी प्रत्याशी मोहन यादव पहले राउंड में 1973 वोटों से पीछे चल रहे। तो जी हां, उज्जैन दक्षिण से मंत्री मोहन यादव प्रत्याशी है और इस बीच ये बड़ा रुझान सामने आया है जहाँ बीजेपी प्रत्याशी मोहन यादव पहले राउंड में 1973 वोटों से पीछे चल रहा है और यहां कांग्रेस के चेतन यादव से इनका टक्कर है। फिलहाल कांग्रेस आगे जाती हुई नजर आ रही है, लेकिन और बात कर ले बीजेपी की, तो बीजेपी प्रत्याशी मोहन यादव पहले राउंड में 1973 वोटों से पीछे चल रहा है जिससे भाजपाइयों की नींद उड़ी हुई है। फिलहाल इस रुझान पर आपकी क्या राय है कॉमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर।